सोमवार को शहर के सभी नाट्य कलाकार और नाट्य कर्मियों ने शहर के संविधान चौक पर नाट्य गृह शुरू करने के मांग को लेकर आंदोलन किया। कोरोना महामारी में जितनी जीवित हानि हुई है उतनी ही लोगों की आर्थिक हानि भी हुई है। एक साल से देश में लॉकडाउन और अनलॉक का सिलसिला चल रहा है। इस खेल में व्यापारियों को कुछ सहूलियत तो दी है, मगर महाराष्ट्र नाट्य कलाकारों को कोई भी सहूलियत नहीं दी गई है। बीते 16 महीनों से महाराष्ट्र के नाट्य गृह बंद है, जिससे इससे जुड़े सभी कलाकारों पर भूखमरी की नौबत आ गई है। इसलिए सोमवार को क्रांति दिन पर शहर के सभी कलाकारों ने अपनी मांगों को लेकर शहर के संविधान चौक पर आंदोलन किया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कलाकार उपस्थित थे। गेल्या जवळपास 15-16 महीने झाले सगळे कलावंत मंडळी जितके आहे आमचे सगळे थिएटर्स बंद आहेत कोविडमुळे, सगळे कार्यक्रम बंद आहे, सांस्कृतिक नाटक बंद आहेत आणि त्याच्यावर उपजीविका असणारे आमचे कलाकार त्या सगळ्यांची खूप हलाखीची स्थिती आता निर्माण झालेली आहे आणि सगळं लॉकडाऊनमध्ये आता हळूहळू उघडत आहे लॉकडाऊन, तर जवळपास 80% उघडलेलं आहे। फक्त त्या 20% आम्ही कलाकार लोक दुर्लक्षित राहिलेलो आहे। आमची सरकारला ही विनंती करण्यासाठी, आमची भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आज क्रांती दिवसाचा आम्ही उपलक्ष साधून हा एक आंदोलनाचा मार्ग अवलंबिला आहे आणि हे महाराष्ट्रव्यापी आंदोलन आहे। नागपूरचे सगळे कलावंत, तंत्रज्ञ, टेक्निशियन्स, ॲक्टिंग करणारे, गाणारे, वाजवणारे वादक, कॉस्ट्युमवाले, मेकअप मॅन, या सगळ्यांनी एकत्र येऊन हा एक आम्ही प्रयत्न करतो आहे की सरकार दरबारी आमच्या व्यथा पोहोचवाव्या, आमच्या मागण्या पोहोचवाव्या। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।